नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सौ फुट गहरे बोलवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को निकाला। तीसरी लहर में बच्चे फैला सकते हैं नए वेरिएंट को। 6 से 12 वर्ष के बच्चों पर होगा टीके का परीक्षण। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 10 फुट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को निकाला। आगरा के धरियाई गांव में सोमवार को सुबह 100 फुट से अधिक गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को 9 घंटे से अधिक समय तक चले बचाव अभियान के दौरान सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राज्य आपदा मोचन बल के डिप्टी कमांडेंट आनंद ने कहा, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उसकी हालत ठीक है। घटना फतेहाबाद के निबोहरा थाना अंतर्गत धरियाई गांव में हुई है। बच्चा सुबह करीब 7 बजे अपने ही खेत में पिता द्वारा खुदवाए गए बोरवेल में गिर गया। उसके साथ खेल रहे बच्चों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। गाँव वालों ने सुरक्षा कर्मियों के पहुँचने के पहले बोरवेल में जब एक रस्सी गिलाई तो बच्चे ने उसे पकड़ लिया और उसकी आवाज भी आई। सेना और एनडीआरएफ के संयुक्त दल ने बोरवेल के समानांतर कुछ दूरी पर गड्ढा खोदा और उससे बोरवेल तक सुरंग बनाई। इस बीच पाइप के जरिए बच्चे को लगातार ऑक्सीजन दी गई और उसके माता पिता को लगातार उससे बात करते रहने को कहा गया ताकि बच्चा घबराए नहीं। बोरवेल के भीतर बिस्कुट और चॉकलेट समेत अन्य खाद्य सामग्री गिराई गई। तो वही दूसरी और तीसरी लहर में बच्चे फैला सकते हैं नए वेरिएंट को। कोविड-19 की तीसरी लहर भारत में दूसरी लहर की तुलना में 60% अधिक घातक साबित हो सकती है। तीसरी लहर बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगी लेकिन वह प्राण घातक नहीं होंगी, यह कहना लंदन के जॉन रेडक्लिफ अस्पताल के डॉक्टर अमित गुप्ता का है। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है तथा बच्चों को प्रभावित करता है। तो वही तीसरे और 6 से 12 वर्ष के बच्चों पर होगा टीके का परीक्षण। 2 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों पर भी नैदानिक परीक्षण किया जाएगा। देश के स्वयंदेशी तौर पर विकसित पहले कोविड रोधी टीके को वैक्सीन के 6 से 12 साल के बच्चों में नैदानिक परीक्षण के लिए मंगलवार को यहां एम्स में नामांकन शुरू होगा। इसके बाद 2 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों पर नैदानिक परीक्षण किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 12 से 18 आयु वर्ग के स्वयंसेवकों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उन्हें कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।